हाय गाइस, अभी जस्ट नहा के निकली हूँ। बहुत डाल राइस खा रही थी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं अभी डाल राइस खा रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा से हिचकी होने लगी, तो मैंने सोचा छोटा सा व्लॉग बना लूँ। ठीक है, तो बाल भी गीले हैं, अभी आप देख सकते हो। मैं डाल राइस खा रही हूँ देख के। आई डोंट नो क्या कहूँ, अब भी जस्ट नहा के निकले और हिचकी आने लगा। खाना का सॉरी, आपको मैं वेलकम भी नहीं कर पा रही क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा हिचकी आ रही। थोड़ी डाल डाल के लाती हूँ, बहुत ज्यादा रूखा लग रहा है। मैं खा रही हूँ डाल राइस और मुझे बहुत ज़्यादा हिचकी आ रही है। सुपर सुपर वाली हिचकी आ रही है गाइस। यम, ये देख के डाल राइस है और विदाउट मीट है। सो बहुत मस्त लग रहे हैं, देख सकते हैं उसका टेक्सचर। ओ माय गॉड, बहुत दिनों बाद देख के डाल राइस खा रही हूँ मैं, पता है आपको। और आजकल मैं डाइटिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, जो आए वो खा लेती हूँ। बॉडी भी अच्छी खासी हो गई है मेरी, बट इट्स ओके, इतना तो होना चाहिए, नॉट डजेंट मैटर। हिचकी रह गई, अच्छा हुआ ना। आई फील माय हिचकी इज गॉन। क्या डाल राइस है यार, तीखा है तो मुझे तीखा लगेगा क्योंकि मैं बॉयल्ड खाना खाती हूँ ज़्यादातर, इसलिए मुझे तीखा लगेगा थोड़ा। बट दिस इन मैटर, कभी कभी तीखा खाना भी ज़रूरी है, राइट। बहुत ठीक है गाइस, मुझे किसी ने बोला था स्नीज मतलब छींक खा के भी आप चैलेंज करो, वो मैं करूँगी। मुझे इंस्टा पे मैसेज आया था और मेरी इंस्टा आईडी है सुरैया पटेल 4 और सुरैया पटेल 074। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टा आईडी पे और मुझे मैसेज पर्सनली मैसेज कर सकते हो। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो मुझे आप वहाँ पे बता सकते हो, तो मैं पूरी करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, सो ज़्यादातर मैं राइस खाने लगी हूँ आजकल और रोटी मैं स्किप करती हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि राइस खाने से इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। हाँ,
थोड़ा मोटापा बढ़ जाता है, पर ठीक है कभी कभी। मेरे को ज़रूरत थी अभी, बिकॉज मेरी स्किन बॉयल दाल राइस, मतलब ये देख के दाल राइस है ये मैंने आज मंगवाया है, बिकॉज आज संडे था इसलिए। अदरवाइज मैं ज़्यादातर बॉयल्ड फूड ही खाती हूँ, तो बॉयल्ड खाना अच्छा है, बिकॉज ऑफ अपनी हेल्थ अच्छी रहती है, प्लस के अपनों को कोई बीमारी बीमारी जल्दी आती नहीं है। मैं बहुत अच्छे से, मतलब कभी बुखार बुखार चलता रहता है, बट अल्लाह का शुक्र है कभी भी मेरे को इतनी मतलब टेंशन बीमारी नहीं हुई है। और हाँ कोई नहीं, होता है पार्ट ऑफ द लाइफ, चलता रहता है, ज़्यादा ध्यान नहीं देने का था। बहुत टेंशन था पहले, बहुत टेंशन था, टेंशन में थे, हुआ था ये सब, और बीमार भी हो गई थी बहुत ज़्यादा, और मेरे माइंड पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा था। तो वही है ना कि ऐसी ज़िंदगी, ऐसी लाइफ जीने से तो अच्छा है ना कि अकेला रहो, अकेला खाओ पियो एंजॉय करो, है ना। एक ही तो लाइफ है, बार बार तो लाइफ मिलती नहीं है। जियो, खुश कराओ, खुश रहो, क्या पता कल हो ना हो, राइट। बहुत अच्छा लगा बहुत दिनों बाद देख के दाल राइस खाया है। मम्मी के घर जाती थी तो वो लाती थी, बट अभी यहाँ पे तो मैं इतना ज़्यादा नहीं लाती हूँ, फर्स्ट टाइम लाई हूँ, अच्छा लगा। ऐसा लगा कि कोई शादी में खा के आई हूँ मैं, ऐसे शादी जैसे लगता, किसी की मैरिड होती है ना तो ऐसे दाल राइस बनाते हैं हमारे अंदर। एक नंबर। मैं प्लेट रख के आऊँ और आपसे बाद में बात करूँ। ट्राइपॉड भी ला दूँ, ट्राइपॉड भी सो गाइस मेरी हिचकी ऑलमोस्ट जा चुकी है। यस बॉस, सो गाइस मेरी हिचकी ऑलमोस्ट जा चुकी है, मतलब जा चुकी है क्या, गई। सो मेरी हिचकी सॉरी गाइस। सो गाइस माई हिचकी चली गई है ऑलमोस्ट, तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, आई फील गुड। देखो मैं ना पिस्ता खा के भी यहाँ पे ही छोड़ देती हूँ, आजकल बहुत लेजी हो गई हूँ। आजकल मैं बहुत ज्यादा लेजी हो गई हूँ, सो गाइस ये रख के आती हूँ फटाफट से। ओके और क्या बात है, अरे 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 इसमें तो अभी पिस्ता। ओके सो गाइज मैं ना आजकल बहुत ज़्यादा लेजी हो गई हूँ, पिस्ता खा के भी यहाँ पे डबला छोड़ देती हूँ, कुछ भी यार क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा लेजी हो गई हूँ, सो डजेंट मैटर। तो गाइज आज की इसकी यहीं तक थी, सो बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं नए वीडियो नए ब्लॉग और नए ट्यूटोरियल के साथ। अभी मेरे हेयर भी गीले हैं, मेरे को हेयर, और हाँ आप मम्मा आर्ट का फेस वॉश और क्रीम जरूर ट्राई कीजिएगा, आप देख सकते हो मेरे चेहरे पर कितना ज़्यादा निखार आ रहा है और कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। सो गाइज आप बहुत यहीं तक था क्योंकि मेरी हिचकी ऑलमोस्ट जा चुकी है। और हाँ गाइज मैं ना अभी जस्ट, आप देख सकते हो मेरे हेयर भी अभी गीले हैं, तो मैं अभी जस्ट नहा के निकली और सोचा कि चलो खाना खाती हूँ, तो मैं ना देख के दाल राइस मंगवाए थे मैंने आपको दिखाए, हाँ तो मैं वो खाने लगी तो थोड़े से पीछे थे, तो मुझे
आने लगी हिचकी। तो मैंने सोचा कि चलो छोटू सा ब्लॉग ही बना लेते हैं, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर को मेरी हिचकी बहुत पसंद है, इस वजह से मैंने छोटू सा ब्लॉग बनाया है आपके लिए। और हाँ गाइस, मेरे हिचकी फ्रेंड, खास करके हिचकी फ्रेंड और हिचकी फैन और नका फैन और सबको मैं हैप्पी करने की कोशिश करूँगी और सबके लिए एक एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी एवरी वीक, क्योंकि मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मेरे को काम घर सब कुछ संभालना पड़ता है अकेले इसी वजह से। और मैं बहुत हैप्पी हूँ, अकेली हूँ, बट शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हर चीज़ का सुकून है मेरे को बहुत ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सुकून, सुकून नहीं है तो कुछ नहीं है, तो सुकून है मेरे को, शांति है, सुकून है, सब कुछ मिला है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सो गाइस, मैं क्या बोलना चाहती थी आपको, हाँ मैं ऐसा बोलना चाहती थी कि हाँ मैं कूपन जाके अपना मेरा कूपन कोड यूज करके 20% ऑफ पा सकते हो और आप अपने लिए फेस वॉश खरीद सकते हो, और ख़रीदिए, बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा है, और कोई भी स्किन पर सूट होता है और बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है आपको। और हाँ गाइज, आप देख सकते हो आजकल मैं मामाअर्थ के प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, तो मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लो कर रही है। सो गाइज, आप भी यूज़ कर सकते हो, मेरा कूपन कोड यूज़ करके 20% ऑफ पा सकते हो। सो गाइज, मैं आपको कूपन कोड भी दिए हूँ, मैंने मामाअर्थ का रिव्यू दिया है वहाँ पे। सो गाइज, आप वो कूपन कोड यूज़ करके मामाअर्थ के प्रोडक्ट खरीद सकते हो और 20% ऑफ पा सकते हैं। सो गाइज, जल्दी से जाइए खरीदिए, बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा है मामाअर्थ का प्रोडक्ट, फेस वॉश, डे क्रीम, आप कुछ भी खरीद सकते हो मामाअर्थ की ऐप पे जाके। ओके गाइस, तो बाय एवरीवन, अभी जस्ट मैं नहा के निकली हूँ, मेरे हेयर गीले हैं, मेरे को थोड़ा आराम करना है। ओके बाय एवरीवन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। सो गाइस, मैं आज यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ, और आज आप सोचोगे कि सुबह सुबह मैंने व्लॉग बनाना क्यों स्टार्ट किया, तो इस वजह से स्टार्ट किया क्योंकि मैं यहाँ से मूव हो रही हूँ और मैंने मूवर्स को बुला लिया है, क्योंकि अभी हमारा घर खाली होने वाला है। सो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से मेरा ब्रेकफास्ट कर लूँ, क्योंकि अभी वो लोग आने ही वाले हैं, रास्ते में हैं, तो मूवर्स से हम पैकेजिंग अच्छे से करवा सकते हैं, प्लस कि हमें कोई टेंशन नहीं रहती है बॉक्स वगैरह की, तो वो लोग ये सब कुछ लेकर आते हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी उनका पैकेजिंग कैसा रहता है और किस तरीके से वो लोग यहाँ से मेरे दूसरे घर पे मूव करते हैं, ये सब आपको मैं व्लॉग के थ्रू दिखाना चाहूँगी, तो इसी वजह से मैंने ये ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया आज। तो चलो गाइज, अपने मैं पहले अपना थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट कर लूँ, तो आपको दिखा दूँ कि मैंने कैसा पैकेजिंग कर, मतलब मैंने नहीं करवाया, मूवर्स ने खुद ही पैकेजिंग करते हैं, ये सिर्फ अब हमारी अलमारी के ऐसे बोलते हैं कि अपने कपड़े पैक कर लो, बाकी सब कुछ वो अपने आप से पैक कर लेते हैं, हमको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती, तो मूवर्स के आने का यही फ़ायदा है। तो हाँ, मेरा ये सब कुछ मूव करने का आई थिंक 6000 समथिंग लिया था, बट अच्छे से मूव कर दिया क्योंकि मेरे यहाँ से दूर जाना है, तो इस वजह से सेम अगर आपको सेम सिटी में रहना है तो इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो आप देख सकते हो ये मूवर्स ने ऑलमोस्ट ये सब कुछ पैक कर दिया है अच्छे से। और उस बार वो मोर से नाते नाल हुआ, फिर अलग को बुलाना पड़ा। हाँ, फिर लगाने वाला है। सो गाइज, मैं आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नए घर में मिलूँगी। सो मैं आपको नया घर दिखाऊँगी, नए घर का मेकओवर करूँगी, वो भी दिखाऊँगी। सो गाइज, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सबा खैर, बाय बाय।